नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो उन सभी प्रमुख श्री जो भी सोसाइटी के प्रमुख हैं, या तो प्रेसिडेंट हैं या फिर गांव के मुखिया हैं, उन सभी के लिए है। क्योंकि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं जो उनके साथ बहस कर रहे हैं। आप ही सोचिए कि जो आदमी जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो अपने फर्ज के लिए वहाँ पे खड़ा है, उनके फैमिली में भी चिंता होती है कि मेरा बेटा मेरा साथ में रहे, फिर भी सब कुछ छोड़ के वो हमारे लिए चौराहे पे खड़ा है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पे जाके बहस कर रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस है और ये नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में आप भी एक योद्धा के रूप में आएं, आप भी इसका सपोर्ट करें, आप भी इनका सहयोग करें। पुलिस ऑफिसर का आप भी एक सहयोग कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी के प्रमुख हैं, तो आप खासकर निर्देश दीजिए सिक्योरिटी को, जो भी वॉचमैन है उसको बताइए कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो बिना प्रमुख के परमिशन के ना जाए, और प्रमुख क्या करे उनको समझाए कि क्यों जाना है बाहर। बाकी बहुत इमरजेंसी है तो उसे जाने दे, नहीं तो नहीं जाने दे। इससे काफी हद तक ये ब्लॉकडाउन हो सकता है। मैं खुद एक सोसाइटी का प्रमुख हूं, ब्लॉकडाउन करवाया हुआ है, वहां पे लोग नहीं निकल रहे हैं, गेट बंद करवा दिया है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जितने भी सूरत सिटी में, या तो पूरे गुजरात में, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, वहां तक आपको वीडियो पहुंचाना है कि आप भी इसमें एक सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं ये नंबर फ्लैश कर रहा हूं, इस नंबर पे आपका वीडियो जरूर भेजिए, मेरा न्यूज पे मैं जरूर दिखाऊंगा इसको। आप कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग हैं जो भी बाहर जा रहे हैं उसे जरूर सवाल जवाब कीजिए, पूछिए, उन्हें समझाइए, एक प्रमुख होने के नाते उन्हें बताइए कि बाहर जाना कितना खतरनाक है। तो आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और डॉक्टर्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम एक प्रमुख बनके एक बहुत बड़ा एक सहयोग कर सकते हैं। तो आप भी जरूर करें और वीडियो जरूर भेजें इस नंबर पे, ये जो फ्लैश कर रहा है नंबर, इस पे जरूर आपका वीडियो व्हाट्सएप करें, मैं जरूर दिखाऊंगा आपका कौन सा सोसाइटी है और किस सिटी में है, और वहां के आपका नाम के साथ जरूर भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।